Hello guys, let's crack UPSC CSC and myself Mukesh Singh, and today I'm going to discuss one of the most important topic of general studies, and then the name of topic is non-conventional source of energy। तो आज का टॉपिक हम लोग का है non-conventional source of energy क्या होता है, इसके जुड़ा हुआ क्या क्या challenges हैं, इसका क्या future prospects हैं। So I'm going to discuss all about this topic। जो लोग यहाँ पे इस लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप लोग सबको पता होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के विषय में, जहाँ पे हम लोग तमाम तरह की ऊर्जा का बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैसे आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। As you all know, Unacademy is the India's largest learning platform for civil service examination and online platform। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, और इस सब के लिए आपको एडमिशन लेना होगा, अर्थात आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन जैसे आप एक बार लेते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे डेली लाइव क्लास आप कर सकिएगा, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाएगा, आप लाइव टेस्ट क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकिएगा। And you will also allowed to participate in live classes। You will provided with recorded courses। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा क्लास करना है। और सबके लिए आप लोग को यहाँ पे अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के लिए आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे मेरा लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है मुकेश सर @ अनअकैडमी, इसके थ्रू आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं रिगार्डिंग योर एडमिशन, रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर कंसर्न टॉपिक आप पूछ सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे और मेरे विषय में आप जान सकते हो। माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह, वर्किंग एज ए फैकल्टी ऑफ यूपीएससी सीएससी सिंस 2004, टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन एंड जीएस, साइंस टेक, जनरल साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरमेंट। आई हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड करंटली वर्किंग दिल्ली एज फैकल्टी एट सेवरल मोस्ट रेप्यूटेड अकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड अंडर माय एक्सपर्टीज मेनी स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड आईएएस एंड आईएफएस एग्जामिनेशन। सो अलॉन्ग विद मी एट दिस प्लेटफॉर्म यू विल गेट सपोर्ट ऑफ मोर देन 100 टॉप एजुकेटर्स। ओके, कुछ एजुकेटर्स का चेहरा आप सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड दिस इज द ओके मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दैट आर प्रोवाइडेड बाय अनअकैडमी फॉर एवरी एक्सपीरियंस दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए सारे तमाम तरह के कोर्स यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है। अब है सवाल आपके मतलब का यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहला कि आपको अनअकैडमी ऑफर कर रहा है दो तरह का सब्सक्रिप्शन, एक है प्लस, दूसरा है आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में भी अलग अलग ड्यूरेशंस में यहाँ पे कोर्स अवेलेबल हैं 1 मंथ से 36 मंथ के बीच में। और इसमें आप लोग एक बात याद रखना, यहाँ पे जो ड्यूरेशंस है इसमें प्लस में क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल जाएगा। इसमें आपको 10% का कंसेशन मिल सकता है। आप लोगों को सिर्फ रेफरल कोड MKS1 को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू गेट 10% इमीडिएट कंसेशन ऑन द इंटायर फी, एंड आफ्टर कंसेशन नाउ यू नीड टू पे दैट मच ऑफ फी। और ये भी इसमें भी चाहो तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। और ये कंसर्न ड्यूरेशन का, हर अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग फी का, ठीक है। और यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे है आइकोनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, ये 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने में अवेलेबल कराया है। इसका फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे जो फ़ी है यहाँ पे दिया हुआ है। ये यहाँ भी, इसमें भी मंथली आप पेमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मिलेगा आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोर्स, डेली मेंस क्वेश्चन से प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक। और यहाँ भी आपको ये रेफरल कोड MKS1 यूज़ करना है ताकि आपको 10% का कंसेशन मिल जाए। एक बात और याद रखिए आप लोग, बात याद ये रखना है, ये ऑल नो कि इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे फैसिलिटीज़, आई डोंट थिंक कि सडनली किसी को मिल सकता है। इसमें कई सारे टीम की जरूरत होती है, कई सारे लोगों की जरूरत होता है। सो अनअकैडमी इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट एवरीथिंग इन डिटेल्स, इन डिस्क्रिप्टिव, इन सब्जेक्टिव मैनर्स, इवन इन यू विल ऑल्सो प्रोवाइडेड विद इंटरव्यू गाइडलाइंस। इट्स बेटर टू ज्वाइन द अनअकैडमी, एंड वो भी ऑफलाइन का जो फ़ी है उससे उसके आधे के आधे फ़ी में, ठीक है। ये ऑप्शनल का फ़ी यहाँ पे दिया हुआ है 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का फ़ी यहाँ पे देख सकते हो 27,500 से लेकर 50,000 तक के बीच में। डिस्काउंट के बाद फ़ी घट कर ये हो जा रहा है 24,750, और ये 45,000 हो रहा है। और यहाँ भी कोड यूज करना है MKS1 को। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर चीज़ और देख सकते हो। और वो कि द मोस्ट कम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल स्टार्ट है। इनरोलमेंट के लिए आप इनरोल ले सकते हो, कोड यूज़ करना होगा MKS1 को ताकि आप इनरोलमेंट ले सकोगे। और इसके बाद यहाँ पे अनअकैडमी के कई सारे बैचेज स्टार्ट हो रहा है जो अलग अलग टीम है जिसके अंदर ये सारे बैच स्टार्ट हो रहा है। कुछ टीम यहाँ पे देखते रहे इसमें क्या मिलेगा आपको। ये है UPSC 2020 एंड प्रीलिम्स के लिए प्रोग्राम है ये। इसमें प्रीलिम्स सिलेबस कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आप लोगों को, उसमें एनालिसिस किया जाएगा, PDF के फॉर्म में नोट्स दिया जाएगा और जो भी डाउट्स होगा उस डाउट्स को प्रॉपरली क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा था कई टीम है, इस यहाँ पे जो भी टीम देख रहे हैं इससे भी कई सारे अलग अलग टीम यहाँ पे हैं। कुछ टीम यहाँ पे सामने देख रहे हो और इस टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा आप लोगों को कि इस टीम में से किसी टीम को चुन सकते हो, अगर पसंद नहीं आए टीम बदल सकते हो और अलग अलग ड्यूरेशंस में अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे दिए जा रहा है। अब यहाँ पे अनअकैडमी नाउ ऑफर वन ऑफ द बेस्ट पैकेज फॉर एवरी एस्पिरेंट्स दोज हु आर जनरली लुकिंग फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो दिस इज द आइकॉनिक ट्राई साइट, this is basically coming soon, and in this you will provided with main test series, your study planner, even you are also provided with booster sessions, high intensity workshop, mains answer writing sessions and preparation through updated notes. इसके अलावा सबसे बेस्ट इसमें है कि आप अपने पर्सनल जो कोच होगा आप उनसे भी कनेक्ट कर सकोगे। ये सारे एडवांटेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे क्लास हम लोग का आज का स्टार्ट होगा हम लोग का, और मैं इसको स्टार्ट अभी इस क्लास की जिसके बात मैं कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वंस अगेन इसमें आप लोगों को यहाँ पे जो क्लास की मैं जिसका बात कर रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हो। चलते हैं आज के हम अपने सेशन में, और ये मेरा स्पेशल क्लास है इसमें कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ स्पेशल क्लास के रिगार्डिंग। आज का एक टॉपिक है स्पेशल क्लास जिसमें मैं जा रहा हूँ टॉपिक कवर करने के लिए, और उस पर टॉपिक का नाम है आज का बायो केमिस्ट्री का एक मैराथन सेशन होने वाला है। इस सेशन को बिल्कुल आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें मैं डील करूँगा। वो चलेगा आज 6 to 9 आज का सेशन है बायो केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा था। वो सेशन चलेगा 6 to 9 ठीक है स्पेशल क्लास का, और इसमें मैं बात करूंगा बायो केमिस्ट्री, और जिसमें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को यहाँ पे अबाउट कार्बोहाइड्रेट, अबाउट प्रोटीन, अबाउट फैट, अबाउट डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिशंस, प्लस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इसके अलावा मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स ठीक हैं। आप इसमें पूछ सकते हो मुझसे सवाल रिगार्डिंग योर क्यूरीज, जैसे मान लो हार्मोन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन से पूछ सकते हो, विटामिन से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंजाइम से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये बड़ा सा डायनामिक सेशन होगा जो आज 6 से 9 में है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन करना है। मेरा स्पेशल क्लास होता है ठीक है। इससे क्या होगा आपके कई सारे जो क्वेश्चन हैं जो क्यूरीज हैं वो सब क्लियर हो सकेगा। और चलिए आज का टॉपिक हम लोग का है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, और आप सब लोग इससे बिल्कुल परिचित होंगे। ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है वो क्या होता है, और जो लोग नहीं परिचित हों तो बिल्कुल आप लोग हो सकते हैं इसमें। तो मैं पहले आप लोग को बता दूं कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या होता है ठीक है। ऊर्जा का दो स्रोत है, मैंने कल भी बताया था, परंपरागत, दूसरा है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत स्रोत का यहाँ पे नाम लिखा हुआ बायोमास, टाइडल एनर्जी, टाइडल का मतलब ठीक है जो जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल का मतलब क्या होता है लहरिए, जियोथर्मल का मतलब भूतापीय एनर्जी, फिर डिराइव्ड फ्रॉम वेस्ट अपशिष्ट से जो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखो ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल सोर्स को जिसका हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है, इसे ये वो स्रोत है जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। जो ऊर्जा को वो स्रोत है जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, ये वो स्रोत है जो असीमित है ठीक है, ये वो स्रोत है जो नवी ठीक है ना नवीकरणीय है मतलब रिन्यूएबल है। एक बात याद रखना, ये क्या इसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल भी है। रिन्यूएबल का मतलब हुआ इसको अब हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। एक दूसरा ये वो सोर्स है जो अनलिमिटेड है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तीसरा ये वो सोर्स है जो नॉन डिप्लीटेबल है, ये समाप्त नहीं होगा जब तक यह नॉन डिप्लीटेबल्स हैं। या ये वो स्रोत हैं, ठीक है, इसको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकोगे। अगेन एंड अगेन हम इसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं रिन्यूएबल, अनलिमिटेड, नॉन डिप्लीटेबल और अगेन एंड अगेन हम इसको यूज कर सकेंगे। इसका जो एग्जाम्पल्स आप लोग बगल में देख रहे हो, तो आज का हम लोग का जो पूरा जो क्लास हम इसी पे बात करेंगे। इसके अलावा भी हम लोग आज कुछ और बात करेंगे, जैसे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी पे बात करेंगे हम लोग, क्या होता है ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका मैं बात कर रहा हूँ। या जो कई तरह के ऐसे गैसेस हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं अलग अलग मीन से, हम उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं क्या है ये। और अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि भाई इस क्लास के स्टार्टिंग में अगर पूछ लेते हैं आप लोग ना, तो मुझे बड़ा सुविधा हो जाता है, क्योंकि क्लास के बीच मिडिल में अगर पूछते हो समटाइम मैं देख नहीं पाता हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि भाई आपने सवाल किया और मैंने ही देखा नहीं आपको। तो पहला टॉपिक हम लोग का बायोमास। बायोमास क्या होता है आप सब लोग को मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दूँ, ठीक है। ये पहला हम लोग का है बायोमास। तो पहले ये समझिए व्हाट इज बायोमास, ठीक है ना। तो जैव भार हम लोग कहते हैं किसको है। बायोमास के हिंदी में क्या होता है, जैव भार। और जैव भार से हमारा जो तात्पर्य है ये किससे है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तब तो आपको बहुत सारा आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, आप जो भी एनर्जी प्राप्त करते हैं तमाम इसके अलग अलग स्रोत हैं, ठीक है। जो बायोफ्यूल, जो हम किसी बायोमास से प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल है मतलब बायोमास से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है बायोमास में, आता है हो सकता है ये मास सॉलिड फॉर्म में हो सकता है ये लिक्विड फॉर्म में हो, और ये भी हो सकता है कि ये कई सारे गैसियस बायोगैस के फॉर्म में हो। बायोमास का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। वैसे ही जब बायोमास का फॉर्म कुछ भी है तो बायोफ्यूल का भी जो फॉर्म है ये भी कुछ हो सकता है, ये भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ये भी सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर्म में ये भी होता है, ठीक है। जैसे गैसियस अगर हम बात करें तो जो लिक्विड बायोफ्यूल है इसमें क्या आएगा, तो अगर हम लिक्विड बायोफ्यूल का बात करते हैं, लिक्विड बायोफ्यूल में आता है बायो अल्कोहल, ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो बायो इथेनॉल हो गया, ऐसे ही ऑयल्स हैं, ऑयल्स का मतलब वो बायोडीजल हो गया, अगर हम बात करें कि गैसीय फॉर्म में कौन कौन सा जाएगा, इसमें हो जाएगा बायोगैस हो जाएगा, या जो लैंडफिल गैस हैं ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। या कुछ सिंथेटिक गैस हैं ये क्या होगा, ये इसमें आ जाएगा। ये अगर हम बायो इथेनॉल की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली ये एक प्रकार का अल्कोहल है। बायो इथेनॉल क्या होता है, ये एक प्रकार का अल्कोहल है, ठीक है, जो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, शुगर को फर्मेंट करके हम बनाते हैं, ठीक है। और या वैसे मटेरियल्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो स्टार्च वगैरह हो गया, तो स्टार्च हो गया, शुगर्स हो गया, उसको फर्मेंट करके हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जहाँ तक बायोडीजल का सवाल रहा, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्लांट्स का हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम बायोडीजल डीजल के साथ मिला करके जो बायो ऑयल्स होता है उसको मिलाते हैं, इसमें बायो ऑयल्स हो गया, ऑयल्स प्लस डीजल हो गया, ठीक है। तो वो तो ऑयल का मतलब हुआ जो जैसे मान लो जट्रोफा हो गया या रेपसीड है, इससे जो हम ऑयल प्राप्त करते हैं उसके साथ मिलाकर उसको बोलते हैं बायोडीजल हो गया। बायोगैस वगैरह की अगर हम बात करें यहाँ पे, बायोगैस क्या होता है, ठीक है। तो बायोगैस में हम लोग अगर इसको गौर से देखते हैं, इसमें आ जाता है बेसिकली कई सारे गैसेस, उसका मिक्सर होता है, जिसमें मेन जो होता है इसमें मीथेन होता है। मेन क्या है, मीथेन है ये, ठीक है। या इसके अलावा अगर मिक्सर हो सकता है, इसमें CO2 हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता होता है, हाइड्रोजन हो सकता है या हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है। ये सब क्या है बेसिकली, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। एनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, एनिमल डंग होता है, जो काऊ डंग है या एनिमल डंग है, जब से डंग को एनएरोबिक डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन कराते हैं हम लोग हैं, तो इससे क्या होता है, ये बायोगैस वगैरह पैदा होता है। एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ, ये जो डिग्रेडेशन है, जो तोड़ना है, जो अपघटन है, इसका अर्थ होता है कि हम एक बायो प्लांट हम बनाते हैं, उस प्लांट में एनिमल का डंग है, उस डंग को हम लोग रखते हैं, और उस एनिमल डंग को रखने के बाद हम उस डंग के साथ क्या, ठीक है ना, जब उस डंग को आप ढक देते हो, कवर कर देते हो, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का एक्शन होता है, और जो बैक्टीरिया है वो इसको डिग्रेड करेगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया कैसा होता है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जो ऑक्सीजन नहीं लेता है, बल्कि ऑक्सीजन की जगह पे वो CO2 लेता है। ये विदाउट ऑक्सीजन ये करने का काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन, दैट आर परफॉर्म्ड इन क्लोज चैम्बर बाय यूजिंग द बैक्टीरिया, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ डिग्रेडेशंस। और तब जा कर के एज ए रिजल्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में ये गैस हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक बड़े किसी ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रूप में एक बड़ा सा हमें हाउस बनाना पड़ता है, सीमेंट का या ब्रिक्स का, ठीक है। और उसी में हम लोग इसको डालते हैं, एनिमल डंग को, एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जहाँ से गैस आउटलेट भी लगा हुआ होता है, और उसी से ये गैस क्या होता है, रिलीज होता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं और इसका हम यूज़ करते हैं, ताकि हम इससे हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी पर्पस हो या हाउस होल्ड पर्पस जो भी है, उससे हम यहाँ पे इसको हम हाउस होल्ड पर्पस जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम इससे प्राप्त करते हैं, कि ये हमारा ये। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि बायोमास में, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि एनिमल डंग से हम लोग ऑलमोस्ट कितना हम बायोगैस प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 25,000 मेगावाट प्लस हम इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो हम यहाँ पे इस गैस में पूछता है कि भाई बायोगैस का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है वो क्या होता है, तो आप सबको पता होगा कि बायोगैस का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है, मीथेन होता है। अब मीथेन से 2-3 बातें हमें और भी याद आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं कोल बेड मीथेन, CBM कोल बेड मीथेन पढ़ा होगा आप, या आप लोग शेल गैस के विषय में पढ़े होइएगा, शेल गैस क्या होता है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा गैस क्लैथरेट के विषय में, गैस क्लैथरेट क्या होता है, ठीक है। कोल बेड मीथेन बता रहा हूँ आप लोगों को, या मैंने कहा कि भाई जो गैस क्लैथरेट है ये क्या होता है, या CBM है ये क्या होता है। ये ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, और ये वो एरिया है जहाँ से UPSC एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो आता ही आता है, और जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अगर एटलीस्ट गो वंस इन ऑर्डर टू कवर द टॉपिक, इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट, और यहाँ से सवाल UPSC में इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मुझे लगता है कि आप सबको इस पर एक बार बड़े आराम से समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, पहले मैं बात कर लेता हूँ आप लोग CBM के विषय में, कोल बेड मीथेन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम आराम से बात करेंगे और चीज़ों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए मीथेन क्या है, मीथेन जिसका मैं बात कर रहा हूँ कोलबेट मीथेन, ये क्या है, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अगर CO2 के बाद कोई दूसरा कोई गैस है जो बहुत पावरफुल है तो वो है CBM, वो है कोलबेट मीथेन। ये सारे बच्चों को पहले इतना आना चाहिए कोलबेट मीथेन का क्या यूज है। दूसरा मैं यहाँ की और बता दूँ आप लोगों को कि कोलबेट मीथेन कहते हैं हम इसको कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा वातावरण में, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा वातावरण में तेजी से ये अपना प्रतिक्रिया करता है और इसके कारण ये लंबे समय तक बना रहता है। मीथेन का जो निर्माण है ये कोयला का जो निर्माण है उसके प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ये होते रहता है ये, और नाम ही इसका कोलबेड मीथेन CBM। कोलबेड मीथेन या CBM नाम है इसका, मतलब कोयले के जो स्तर है, जो कई सारे अस्तर है जमीन के नीचे, उसमें दबा रहता है, पृथ्वी के भूगर्भ में, कोयले के खानों में, ठीक है। और इसलिए इसका नाम है कोलबेड मीथेन। कोलबेड मीथेन का नाम कोलबेड मीथेन क्यों है, क्योंकि ये जमीन के नीचे कोयले के खानों में, कोयले के विभिन्न स्तरों के बीच में फंसा हुआ, दबा हुआ ये मीथेन गैस है, ठीक है। और इसलिए इसका नाम है कोलबेड मीथेन, ठीक है। जब हम कोयला का खनन करते हैं उस दौरान ये गैस स्वतः निकलते रहता है। अगर इस गैस का दोहन करना चाहते हैं तो इस गैस को हम सही तरीके से हम निकाल लें और फिर उसका हम दोहन कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस है, ठीक है। और अगर इसे किसी प्रभावी तरीके से अगर हम प्राप्त करते हैं तो ये ऊर्जा का महत्वपूर्ण संभावित स्रोत हो सकता है CBM। पर इसे निकालना खतरनाक होता है, क्योंकि खादान में कई दफ़ा ये होता है कि जो मीथेन गैस है उसकी उपस्थिति से विस्फोट होते रहता है, ठीक है। और भारत में कोयले के खानों से मीथेन को निकालने और इसके उपयोग को भिन्न कारणों से शुरू नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लो हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है हम उस स्तर पर हम स्ट्रगल करते हैं एक। दूसरा है कि जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो इसको एक्सप्लोर करने वाले जो एक्सपर्टीज हैं कहीं ना कहीं उनका, उनमें भी एक्सपीरियंस का कमी है। तीसरा कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका भी एक अपना यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, या जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके भी कुछ अपने यहाँ पे तर्क होते हैं। उसके बाद है ये कितना अवेलेबल हमारे पास है, उसको हम पहले एस्टिमेट सही करें, इसको निकालने पे जो भी कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट का हम एसेस करें। इसके जो सोर्स जहाँ जहाँ पे है, जैसे मान लो कि भारत के झारखंड में जो झड़िया है, मुनिडीह खान हो गया, सुदामा खोर हो गया, ये सब वो क्षेत्र है जहाँ पे इसके होने का पर्याप्त आकलन किया गया है। अगर इस परियोजना पे अगर हम अगले 5 साल तक इस पर लगते भी हैं तो एटलीस्ट हमें 100 करोड़ रुपया तक का हमें खर्च आएगा और उस खर्च को हम वहन हमें करना पड़ेगा। इसके उत्पादन में जो मीथेन गैस है, इसके उत्पादन में हमें कई चीज़ें और चाहिए। पहला तो हो गया हमें एक हाई कैपेसिटी का पावर प्लांट चाहिए जिससे हम CBM को हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि जब इसका उत्पादन हम करते हैं तो उसके अलावा कई अन्य भी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आऊँगा इसके विषय में। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, कोलबेड मीथेन क्या है, इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसको हम स्वीट गैस, जो स्वीट गैस के नाम से भी जानते हैं ये, ठीक है। एक एक करके मैं लिख रहा हूँ, पहले थोड़ा सा, पहले मेरा CBM कोलबेड मीथेन ये है क्या, ऑल्सो नोन एज कोलबेड मीथेन, ऑल्सो नोन एज स्वीट गैस, ठीक है। इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन, इट इज जनरेटेड ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। qualification and by absorptions. Stored in or trapped in coal bed. कोलिफिकेशन के दौरान ये पैदा होता है और एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब अवशोषण की क्रिया के कारण क्या होता है, ये ट्रैप हो जाता है कोयले के बीच। मतलब ये कोयला का लेयर है, ये कोयला का लेयर हो गया ये, ठीक है। और इसी कोयले के लेयर में ये क्या होता है, ये ट्रैप हो जाता है नीचे की तरफ, ये फंस जाता है। ये सारे कोयले का लेयर हो गया ये, और इसी में गैस यहाँ पे ये ट्रैप है, फंसा हुआ गैस है ये, तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है इसको कोयले के बेड में, ठीक है। ये एब्जॉर्ब हो गया और ये ऊपर से हमारा क्या अर्थ का ये लेयर हो गया, ये अर्थ का लेयर है ये, मान लो। तो नीचे में ये है, ये गैस है, ये यहाँ पे ट्रैप्ड गैस है ये। अब कहते हैं इट कंटेन मेनली मीथेन। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स मेनली मीथेन। इसमें मूलतः क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो रिलीज कब होता है, इट रिलीजेस ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशंस, जब माइनिंग का काम करते उसमें। और कई दफ़ा एक्सप्लोजन भी होता है, इसके कारण विस्फोट हो जाता है, ठीक है। और ये जो मीथेन है, बेसिकली आप सब जानते हो कि ये क्या है, लिटिल अमाउंट ऑफ हेवियर हाइड्रोकार्बन्स हैं लाइक प्रोपेन एंड ब्यूटेन्स एंड ट्रेस क्वांटिटी ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन प्लस CO2 इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस गैस। तो ये तो हो गया आपका कोल बेड मीथेन की बात जो मैं कर रहा था। अब क्वेश्चन है कि मीथेन एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस है, इसका हमें यूज करना चाहिए, ठीक। वैसे ही दूसरा कुछ गैस, इसका मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आप लोगों को। जो टॉपिक हम लोग का है ये वो है CBM पे, ठीक है। CBM से हम बाहर नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है इसके सोर्सेस इंडिया में कहाँ पे, इसका सोर्सेस मैंने बताया आपको कि एक तो हो गया धनबाद, बोकारो, झरिया के पास में हुआ, या जो पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा ये झारखंड में और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुनीडीह हो गया, जहाँ जहाँ भी ये कोयले का खान है उस खान में नीचे पाया जाता है, ठीक है। इसके एक्सप्लॉयटेशन में और क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ठीक है उसको भी थोड़ा सा समझे। इसमें जैसे मैंने कहा कि एक तो ये चैलेंजेस में हुआ, फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चैलेंज हो गया, वो हो गया। दूसरा हुआ कि निवेशकों को अगर कई सारे हमें निवेशक चाहिए, और निवेशक के को न मिलने संबंधी समस्या के संदर्भ में ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन के CEO प्रशांत मोदी द्वारा यह कहा गया था कि CBM को हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब जिसको हेल्प नाम है, तो हेल्प नीतियों से लाभ मिलेगा। और अगर इस नीतियों का सही से अनुपालन किया जाए तो कहीं ना कहीं हमें इसके एक्सप्लोइटेशन में काफ़ी सारा फायदा मिलेगा, ठीक है। अगर इसको हम एक्सप्लोर कर पाते तो हमारा एनर्जी प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो होगा शेल गैस के विषय में। शेल गैस के विषय में आप सब लोग काफ़ी पढ़े होंगे, आपके पास काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन भी हो सकता होगा कि शेल गैस क्या होता है। मैं बात कर रहा हूँ शेल गैस के विषय में। शेल गैस क्या है, हिंदी में उसको लिखते हैं ऐसे, शेल गैस। शेल गैस क्या है, ठीक है। ये भी बेसिकली क्या होता है, ये भी मीथेन ही है। ये क्या है, मीथेन है। ये मीथेन कहाँ पे है, ये मीथेन भी पृथ्वी के सतह, ठीक है, नीचे कई सारे पृथ्वी है, इसके नीचे कई सारे रॉक्स हैं, और इन रॉक्स में, ठीक है, ये भी गैस क्या है, फंसा हुआ ये गैस है। ये बड़े बड़े रॉक्स हैं, इस रॉक्स के अंदर फंसा हुआ ये क्या है, ये गैस है, इसका नाम है शेल गैस, ठीक है। इसके विषय में आप समझिए इसको। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े चट्टान हैं जैसे मतलब लाइम स्टोन हो गया या सैंड हो गया, ठीक है, उसमें ये फंसा हुआ है और ये कहाँ पे है, इसका स्रोत क्या है और भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ये गैस पर्याप्त मात्रा में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे कई दफ़ा आप लोगों को सवाल पूछते रहा है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो निकालने का प्रक्रिया क्या है, इसका मात्रा कितना है और ये इसके जो मेन जो स्रोत है वो कहाँ है। तो आप लोगों ने सुने होंगे जो गोंडवाना वैली है, कैम्बे वैली है, या ठीक है ना, तो ये जो कैम्बे वैली है, कैम्बे वैली हो गया, नर्मदा रिवर वैली है, नर्मदा हो गया, रिवर वैली हो गया, कृष्णा कावेरी रिवर वैली हो गया, कृष्णा कावेरी रिवर वैली है। तो यहाँ पे ये फंसा हुआ है ये, ठीक है। जो भी टर्सियन पीरियड के जो रॉक्स हैं उन रॉक्स में ये गैस फंसा हुआ है। अब इस का खनन का तरीका क्या है, उस खनन का इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि भाई हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल जो होता है ड्रिलिंग करें, एक हो गया कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करिए, एक होता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग कीजिए, मतलब ऊपर से आप वर्टिकल ड्रिल कीजिए, और हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चरिंग भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर से आप वाटर को सप्लाई कीजिए नीचे की तरफ, जब वाटर नीचे सप्लाई होगा, ठीक है, प्रेशर से, अब यहाँ पे बहुत सारे इसमें होल्स होंगे वाटर्स का, यहाँ से वाटर्स का होगा निकलेगा काफ़ी प्रेशर से, और जब प्रेशर पड़ेगा इस स्टोन के ऊपर तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो फंसा हुआ गैस वो बाहर निकलेगा और इसको हम किसी दूसरे ओपनिंग से इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ पे एक ओपनिंग है, एक ड्रिल हमने यहाँ पे किया, एक ड्रिल यहाँ किया, तो यहाँ से जो गैस रिलीज होगा इसको हम पाइप के सहारे, ठीक है, हम अपने जो टैंकर्स होगा टैंकर्स में हम इसको यहाँ पे हम भर देंगे और इस प्रकार से हम लोग इसको हम ड्रिलिंग का काम करेंगे। ये टैंकर्स हो गया, ठीक है, याद रखना आप लोग। ये ट्रक है, बेसिकली ट्रक का हेडलाइट है, ये हेडलाइट है ट्रक का, यहाँ पे उसका ये, और यहाँ भी इंसान बैठा हुआ है जो ट्रक चलाने वाला है वो, है ना, और इसका ये स्टेयरिंग है ये। अच्छा, तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भाई यहाँ पे ये गैस है ये, तो सेल गैस क्या है, चट्टानों के अंदर जो फंसा हुआ गैस है, और ये कहाँ पे है, तो ये कैम्बे वैली, नर्मदा, कृष्णा कावेरी इन वैलीज में है। और इसका जो निकालने का जो प्रक्रिया क्या है, तो निकालने के लिए ही इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग या हॉरिजॉन्टल जो फ्रैक्चरिंग है इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग भी कहते हैं। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इसलिए कहते हैं इसमें वाटर का यूज़ करते हैं और वाटर को प्रेशर से हम इसके अंदर गुजारते हैं, और जब ये वाटर नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेजुअली प्रेशर का नहीं, वाटर जो रिलीज होता है वो इसके ऊपर पड़ता है, और जब इसके ऊपर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, जैसे आप लोग कभी चूना समझते हो ना, लाइम स्टोन, तो चूना को अगर आपने कभी पानी में डाल देते हो, तो चूना को पानी में डालोगे तो क्या उससे गैस निकलता है ना, चूना को पानी में डालते हो जैसे ही चूना घुलना शुरू होता है इससे गैस निकलता है। इसलिए पानी जब डालोगे इसके ऊपर तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इसमें रिएक्शन होगा, तो नतीजा क्या होगा, ये अपने आप टूटना शुरू होगा, इससे गैस निकलेगा। अब इसी गैस को हमें कलेक्ट कर लेना है, और ये गैस किसी ने कहा था विश्व में जो सैल गैस है इसका जो भंडार है एक लगभग 7,576 ट्रिलियन क्यूबिक स्क्वायर फीट है ये, याद रखना। सेल गैस का ग्लोबल जो इसका जो भंडार है, जो रिजर्वायर है पूरी दुनिया में 7,576 ट्रिलियन, ठीक है, क्यूबिक फीट है ये, इतना इसका अमाउंट है, टोटल एस्टिमेशन ये है, ठीक है। और 2013 से 2015 के बीच दुनिया का ऑलमोस्ट 11 ऐसे कंट्री हैं जिसमें इसका जो अनुमान लगाया गया, तो उसमें था कि भाई ऑलमोस्ट जो चाइना है, चाइना के पास कम से कम 1115, सिर्फ चाइना के पास 1115 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ये सेल गैस का रिसोर्सेस है। अगर हम बात करें अमेरिका का, अमेरिका के पास, यूएसए के पास 623 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ये सेल गैस हैं। अगर हम बात करें इंडिया का, इंडिया के पास ये एस्टिमेट किया गया कि 95 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। पर कुछ लोगों का मानना है कि हमारे पास जो टर्शियन पीरियड के जो रॉक्स हैं उसका जो मात्रा है उसके हिसाब से एटलीस्ट कम से कम 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा इंडिया के पास ये गैस वर्तमान में मौजूद है। अब कंडीशन यहाँ पे है कि हम इसको एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और इसको एक्सप्लोर कर देंगे इससे जुड़ा हुआ चैलेंज ये है कि भाई जो सबसे पहला इसमें चैलेंज ये है कि इसमें वाटर बहुत खर्च होता है, वाटर का जो एक्सपेंसेस है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसलिए भी हम दूसरा कि हमारे लिए जो इरिगेशन के लिए पर्याप्त वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए पर्याप्त वाटर नहीं है, और वाटर को हम इतने बड़े अमाउंट को हम यहाँ पे अगर एक्सपेंस करते हैं वो शायद फिजिबल नहीं होगा। तीसरा कॉस्टली अफेयर्स और टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, हम यूएसए से हम उम्मीद कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमें शेयर करेगा। आईआईटी मुंबई में कुछ इंजीनियर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर लगे हुए हैं। तीसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक इशू है कि ये जो गैस है इसका आप जो एक्सप्लोर करोगे, ठीक है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है ये गैस, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, लेकिन जिन देशों में इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास किया गया है उन देशों का में रिजल्ट क्या कहता है, वहाँ पे देखा जाता है कि कई बार जो ज़मीन है वो अपना फर्टिलिटी को खोने लगा है, क्योंकि इससे जो वाटर टेबल है वो नीचे गया है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा समस्या आया है कि फर्टिलिटी को लेकर के। और चौथा तो हो गया कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करना पड़ेगा तभी आप इसको एक्सप्लोर कर पाओगे। ये भी क्या है, मीथेन गैस का ये बड़ा सा रिसोर्स है, बिकॉज मीथेन इज़ द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस, दैट्स वाई सेल गैस इज़ द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस होता है। एक ऐसा ही गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका नाम है गैस क्लैथरेट। एक और है गैस क्लैथरेट, आप लोग नाम सुने होंगे कि गैस क्लैथरेट क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग मीथेन क्लैथरेट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग मीथेन क्लैथरेट के भी नाम से जानते हैं, मीथेन क्लैथरेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, जो नेचुरली अकरिंग जो आइस लाइक कॉम्बिनेशन था, मतलब आइस में ट्रैप्ड मीथेन है गैस है ये। मान लीजिए आइस क्यूब है और इस आइस क्यूब में ये मीथेन गैस क्या होगा, ट्रैप्ड है। और ये आइस क्यूब कहाँ मिलेगा, ये मिलता है, ठीक है, अब तक उम्मीद किया जाता था कि ये मिलेगा स्पेस में, लेकिन जब शोध रिसर्च में तो ये हमें पता चला कि ये जो आइस क्यूब है ये हमारे समुद्र में, ठीक है, ये मिलता है। ये अब क्वेश्चन इसको हम एक्सप्लोर कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग आइस लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल गैस and water found on ocean floor। ठीक है, समुद्र की सतह पे पाया जाता है ये। and in polar region। ठीक है, मे बी इन स्पेस। ठीक है, अब है इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज 2,000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF, 2,000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इन ईस्ट कोस्ट इन कृष्णा गोदावरी बेसिन में है ये। गैस का जो बड़ा भंडार है वो कहाँ पे, वो तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में है ये। ठीक है, दूसरा है इन द सोर्स ऑफ अंडमान आइलैंड। जो अंडमान आइलैंड है कि यहाँ पे भी ये गैस का एक बड़ा सा भंडार है यहाँ पे। और यहाँ पे कहते हैं कि एट 600 मीटर बिलो सी फ्लोर, यहाँ पे तो समुद्र तल से जो 600 मीटर 600 meters below sea floor। ठीक है, दूसरा हम लोग इसी को देखते हैं कि मीथेन क्लैथरेट क्या हो जाता है यहीं पे। तो मैंने कहा कि वाटर का जो मैंने सॉलिड फॉर्म है मतलब आइस क्यूब कंटेन्स मीथेन आर कॉल्ड मीथेन क्लैथरेट। आइस क्यूब कंटेन्स मीथेन आर कॉल्ड आल्सो मीथेन क्लैथरेट। इसे हम लोग मीथेन क्लैथरेट भी कहते हैं। तो यूपीएससी में क्या है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए कि भाई मीथेन क्लैथरेट क्या होता है। तो आप लोगों को ये तैयारी करनी होगी और ये समझना पड़ेगा आपको इसके लिए। ठीक है, तो ये वाटर का ये क्या होता है, ये ठंड के कारण वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म हो जाता है और जो गैस नीचे से निकलता होता है ये गैस का इसमें फंस जाता है ये मीथेन। और इस प्रकार से जो क्लैथरेट है मीथेन गैस का वो क्या होता है यहाँ पे ये बनते चला जाता है और ये ग्रेजुअली क्या होता है एक आइस क्यूब जैसे शेप में ये डेवलप हो जाता है पूरा आइस। ठीक है, कहते हैं कि 6.4 ट्रिलियन जो टन है अवेलेबल डीप ओशन फ्लोर, 6.4 ट्रिलियन टन अवेलेबल डीप ओशन फ्लोर। और अगर एक लीटर अगर मीथेन क्लैथरेट को, मीथेन का जो क्लैथरेट है 1 लीटर मीथेन क्लैथरेट विल गिव राइज 168 लीटर ऑफ मीथेन गैस विल गिव राइज 168 लीटर ऑफ मीथेन गैस। इतने बड़े अमाउंट में हमें ये गैस यहाँ से मिल जाएगा। ये बातें था जो मुझे बताना था, आप लोग इसको याद करो। मैंने कहा जो बायोगैस में या बायोडीजल की जब हम लोग बात करते हैं तो बायोडीजल में बहुत सारा बात किया जा सकता है। एक टॉपिक अपने आप में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इतने सारे बात हम लोग एक टॉपिक पे करेंगे तब तक ऐसे टॉपिक पूरा होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन यही बनता है कि भाई जो अल्टरनेटिव फ्यूल है या जो इथेनॉल है जो ब्लेंडेड पेट्रोल्स हैं तो उसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, हम लोग क्या करते हैं। जैसे मैंने कहा बायो डीजल की बात कर रहे थे हम लोग या बायो अल्कोहल का हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, एक बार समझ लो क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बायोमास वाले का, ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में ही आ जाता है ये टॉपिक। बस और बात कर देता हूँ क्योंकि ये वो टॉपिक है जो अपडेटेड है। आप लोग नाम सुना होगा अल्टरनेटिव फ्यूल्स का, अल्टरनेटिव फ्यूल का नाम सुना होगा। अल्टरनेटिव फ्यूल्स हम लोग इसकी है क्या बेसिकली, ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम नॉन क्रूड ऑयल्स मतलब फ्यूल डिराइव फ्रॉम नॉन क्रूड ऑयल्स जो हम नॉन क्रूड ऑयल्स जो फ्यूल को हम डिराइव किए हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अगर हम बात करें तो उसके कुछ एग्जांपल्स का है। ठीक है, जैसे हमने कहा अभी बायो अल्कोहल हो गया ये एग्जांपल है। बायो अल्कोहल में क्या मिला होता है, तो इसमें इथेनॉल मिला हो सकता है एक। ठीक है, इसमें मीथेनॉल मिला हो सकता है 2, इसमें ब्यूटेनॉल भी मिला हो सकता है ब्यूटेनॉल। अब सूत्र याद रखना, इसको क्या बोलेंगे C2H5OH, इसको क्या बोलेंगे CH4OH, इसको क्या बोलेंगे C4H9OH। इसको क्या होगा फार्मूला हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल OH ग्रुप है ये और ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, बायो अल्कोहल हो गया जैसे मैंने कहा, अभी बायोडीजल इसमें आ जाएगा, बायोडीजल इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल आ जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल आ जाएगा। ठीक है, ये सारे अल्टरनेटिव फ्यूल में आता पर ये सारे के सारे क्या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब क्या दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। source of energy है, and therefore they are non-conventional source of energy है। ये बातें हम लोग को समझना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आप जो भी लोग देख रहे हैं इस क्लास को बिल्कुल देखते रहिए, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पूछते रहिए आप लोग। आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या होता है, ये बेनिफिशियल भी होता है इन्वायरमेंटली और ये इकोनॉमिकली भी जो है ना ये ज़्यादा अच्छा होता है। इस फ्यूल का इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है, मैंने इस फ्यूल का दो बेनिफिट है, इस फ्यूल का जो दो बेनिफिट है, बेनिफिट नंबर वन की इन्वायरमेंटल बेनिफिट, बेनिफिट नंबर टू की इकोनॉमिक बेनिफिट। इन्वायरमेंटल का ऐसे बेनिफिट है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है या इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट, चैलेंजेस क्या होंगे मैं बात करूँगा। पहले चलते हम लोग देखें इन्वायरमेंटल बेनिफिट की बात हम लोग करते हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है इसके। सबसे पहला हम अगर यहाँ पर बात करें नंबर एक, इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर नहीं होता है, पहले फ्री फ्रॉम सल्फर होता है। तो अगर फ्री फ्रॉम सल्फर होगा तो इससे किसी भी तरह से SO2 पॉल्यूशन नहीं होगा, इट नॉट कॉज SO2 पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन को ये उत्पन्न नहीं करेगा, पहला बेनिफिट ये हो, ठीक है। सल्फर इसमें नहीं होता है, देयरफॉर इट नॉट कॉज SO2 पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, ये पॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि सल्फर नहीं इसमें। दूसरा बेनिफिट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कहते हैं ये इट प्रोड्यूस लेस CO2, जो कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं इस ये भी बहुत कम मात्रा में ये पैदा करेगा। इस हिसाब से भी ये क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। तीसरा बेनिफिट यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोकार्बन का जो इमिशंस है उसको भी घटाएगा, हाइड्रोकार्बन का जो इमिशन है, हाइड्रोकार्बन का जो इमिशन है ये इसको भी घटाएगा, कम से कम 55 से 60% इसको घटा सकता है। ये CO2 कम निकलता है इससे है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम से कम 30 से 35% कार्बन पॉल्यूशन को भी कम कर सकता है। चौथा, इसमें पार्टिकुलेट जो मैटर है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर है, इसमें ये मैटर भी क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जिससे एरोसोल का जो फॉर्मेशंस है, एरोसोल्स का जो फॉर्मेशंस है वो ऑलमोस्ट नहीं भी 40% तक ये घट जाएगा, 40% तक ये घट जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि इन कंपेयर टू द अदर सॉलिड फ्यूल्स दिस फ्यूल डज नॉट कंटेन सल्फर, इट में ओके it releases very less amount of carbon monoxide, हाइड्रोकार्बन का एमिशन ये बिल्कुल नहीं करता है। दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर, इससे बहुत कम मात्रा में निकलता है। सो दीज आर द और दीज आर वन ऑफ द। पाँचवा हो गया क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, ये सारे इसके एडवांटेज। अब इसका अगर इकोनॉमिक बेनिफिट की हम लोग बात करें तो इसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या है, What are its economic benefit? इसको समझो आप लोग। कहते हैं इंडिया अभी भी जो इम्पोर्ट कर रहा है अपना जो क्रूड ऑयल्स, ऑलमोस्ट इंडिया 70% इंडिया क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर रहा है गल्फ कंट्री से, ठीक है, या इंटरनेशनल गल्फ काउंसिल से। और ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट करने का, ये जो इंपोर्ट है इसको हम कर रहे हैं। और अगर हम इसको रुपए में इसको काउंट करें तो कम से कम 70,000 करोड़ रुपए का कॉस्ट इससे एनुअली हमें पड़ता है, 70,000 रुपीज़ का कॉस्ट हमें पड़ जाता है, 70,000 करोड़ रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल कैन बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम हमारा जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी क्या हो कम होगा, और इस डिपेंडेंसी को हम जितना कम कर सकेंगे उतना ही जो इकोनॉमी हमारा क्या होगा, हमारा बचेगा, फंड हमारा बचेगा। तो ये सारे इसके तमाम फायदे हैं। और इसका कुछ डिमेरिट्स भी हैं। सीधा सीधा इकोनॉमिक आपका जो इंगेजमेंट है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। और इसका डिमेरिट्स क्या है कि दिस टूल आर हाईली विशियस, इट रिक्वायर हाई injection pressure when used in internal combustion engines. So what are the demerit of this fuels? So now मैं जा रहा हूँ बताने आप लोगों को demerits of, ठीक है, alternative fuels का क्या है, या biofuels का, alternative fuels का मैं बता रहा हूँ। पहला तो ये हो गया, हमने कहा क्या कि ये हाईली विशियस नेचर का होता है, हाईली विशियस होता है ये। तो इट रिक्वायर्स इंजेक्ट, ठीक है ना, हाई इंजेक्शन प्रेशर। अब हाई इंजेक्शन प्रेशर के थ्रू ही इसे हम, ठीक है, इंटरनल जो कंबसन इंजन का टू Cure in combustion chamber to because high injection pressure used in internal combustion engine एक बात इसको याद रख सकते हैं, कहते ये फ्यूल भी कोरोसिव होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, ये कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है। सो दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है ना, मतलब सो दे आर नॉट वेरी स्टेबल, कहा कोरोसिव होता है ये, तो स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल होता है ये। और थर्ड यहाँ पर देखते हैं कि देयर परसिस्टेंट यूज लीड्स टू डिपोजिशन ऑफ कार्बन इन इंजन। अगर लंबे समय तक इसको यूज करें तो इंजन में क्या होगा, कार्बन डिपोजिशन इन इंजन हो जाएगा, कार्बन डिपोजिशन ये हो जाएगा इंजन में। तो ये भी एक समस्या इसका है। ये सारे इसके डिमेरिट्स हैं, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बायोडीजल का, बायोडीजल क्या है, देखो ये भी अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स ऑयल से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग नाम सुना होगा जेट्रोफा का, मैंने पहले बता दिया जेट्रोफा, एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है रेपसीड हो गया, रेपसीड है, तो हो गया सूरजमुखी हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ठीक है। तो ये सारे वो सोर्सेस है जिससे हम लोग इसको ये करते हैं। अब कहते हैं द फ्रूट ऑफ जेट्रोफा प्लांट विच ग्रो इन पुअर सॉयल विथ लिटिल वाटर हैज़ बीन फाउंड सुटेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोडीजल। बात समझ रहे हो, जट्रोफा प्लांट है, इसका जो फल है जिसको हम लोग उगाते हैं वैसे मिट्टी में जहाँ पर पानी क्या होता है, कम होता है, और उससे हमें, इससे बड़े मात्रा में हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। केमिकली अगर हम बात करें कि बायोडीजल क्या होता है, तो केमिकली बायोडीजल इज द मिथाइल और इथाइल एस्टर होता है। केमिकली बायोडीजल क्या होता है, आर द एस्टर ऑफ मीथेन, जो मिथाइल अल्कोहल, मीथेन का दो, और इथेन होता है ये। या मिथाइल अल्कोहल का एस्टर का हो या इथाइल अल्कोहल का एस्टर कर सकते हो, या इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये मिथाइल एंड इथाइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है। ये मिथाइल और इथाइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड ये होता है। ये फैटी एसिड, इस बातों को हमें याद रखना है कि भाई बायोडीजल केमिकली क्या है, तो ये फैटी एसिड का क्या है, मिथाइल और इथाइल एस्टर है। ये बेसिकली हमें यह ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ पे है, इसको हम ऑब्टेंड कैसे करते हैं, इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो इसको इट इज ऑब्टेंड बाय ट्रांस स्टरलाइजेशन या ट्रांस स्टेरिफिकेशन, ऑब्टेन थ्रू ट्रांस स्टेरिफिकेशन। ये प्रोसेस है, ट्रांस स्टेरिफिकेशन के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। ट्रांस, ठीक है ना, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल प्लस मिथेनॉल, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, विच गिव्स मिथाइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मिथाइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड मिलता है। अब मिथाइल एस्टर जो फैटी एसिड्स हैं इसी को हम लोग यूज करते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो CSIR का नाम सुना होगा, ठीक है ना। उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर बायोडीजल एक्सट्रैक्शन के लिए फ्रॉम जट्रोफा प्लांट, और उड़ीसा और गुजरात में स्पेशली, ठीक है। कुछ NGOs हैं जैसे उड़ान हो गया, और उसने भी इंकरेज किया कि भाई यूपी में हम ग्रो करें जट्रोफा को। इसके बाद सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो भावनगर गुजरात में हैं, उसने भी CSIR को असिस्ट किया, ठीक है, कि हमको इस तरह के प्लांट को हमें लगाना चाहिए और हम इस तरह के फ्यूल को हम यूज करें, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम इसको यूज करें, ठीक है। और इस प्रकार से ग्रेजुअली क्या हुआ, ये जो बायोडीजल है इसका जो यूज है उस पर कई सारे स्टेप्स लिए गए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक होता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, आपने नाम सुना है ना, आप सब लोग नाम सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा बता दूँ, इथेनॉल क्या है, बेसिकली ये अल्कोहल है जिसको हम लोग इथेनॉल, ये क्या होता है, इथेनॉल ये बेसिकली इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, मतलब C2H5OH, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इससे अलग हो जाता है। ये समझना ये है कि ये क्या है बेसिकली, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या होता है। देखो इथेनॉल क्या है, हमने कहा कि ये अल्कोहल है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मोलासिस से। इसको हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मोलासिस से। मोलासिस जानते होंगे आप लोग, मोलासिस से, इससे हम प्राप्त करते हैं। जो मोलासिस क्या होता है, ये शुगर का जो चीनी मिल होता है जिसमें से जब हम शुगर केन से शुगर निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो उसका जो रिमेनिंग जो वेस्ट बचा है उसी को हम लोग बोलते हैं मोलासिस, ठीक है। तो बेसिकली मोलासिस इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट हम लिख देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। जहाँ पर हम शुगर कॉर्न यूज करते हैं। अब ये जो अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है ये, ठीक है। जब हम पेट्रोल को हम ब्लेंड कराते हैं, ठीक है ना, जब हम इथेनॉल के साथ जब हम पेट्रोल को ब्लेंड कराते हैं, इथेनॉल को जब हम मिलाते हैं पेट्रोल से, ठीक है, तो हमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड से काफ़ी पैदा कम होता है। That leads least production of CO in automobiles. और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमीशन पायलट प्रोजेक्ट एट मिराज एंड मैन मेड इन महाराष्ट्र एंड बरेली इन यूपी। ठीक है, याद रखना, एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया भारत सरकार ने, और ये शुरू हुआ था 2001 में, जो आधारित था गैसोहोल पर। और ये गैसोहोल, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था सबसे पहले ब्राज़ील में। तो अब इसके कारण क्या हुआ, जो सफलता हमें मिला है, जिसमें हमने क्या किया, 5% इथेनॉल को 5% हमने इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ हम मिलाएं, और हम अब जो बाई प्रोडक्ट हम इसी जो कम कर पा रहे हैं, प्लस उसका एफिशिएंसी क्या होता है वो बढ़ जाता है। और ऐसा करके कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे मान लो आंध्र प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इवन गुजरात है, ठीक है, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, पंजाब है, यूपी है, इन सब में इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2003 में शुरू किया गया, जो इसका फर्स्ट फेज था। इन सारे स्टेट में फर्स्ट फेज में इसका जनवरी 2003 में शुरू किया गया। बाद में और कई सारे स्टेट्स में इसको प्रमोट किया गया, ठीक है, और ये प्रयास किया गया कि हम इसका जो कंट्रीब्यूशन है 25% तक हम बढ़ाएं। और इसके लिए जिस भी स्तर पे हमें शुगर केन को रेज करना हो या उसको हम रेज करें, और जितना भी मॉडल तैयार होता है उसको हम मैक्सिमम यूज करें, इस तरह का कोशिश लगातार किया गया है। एक ऐसा ही आप लोग सुने होंगे फ्यूल सेल के विषय में, फ्यूल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्यूल सेल क्या होता है और इसके क्या यूजेज क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। फ्यूल सेल एंड इट्स यूजेज पे, फ्यूल सेल एंड इट्स यूजेज। फ्यूल सेल का मतलब हुआ ये भी सिंपली क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अ सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल कहते हैं। और प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, जो फ्यूल और उसके ऑक्सीडेंट के बीच में होता है, और जो हम इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसका यूज क्या है, ठीक है। तो फ्यूल सेल में हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीडाइजर के तौर पे O2 का यूज़ करते हैं। तो फ्यूल सेल में फ्यूल क्या होता है, तो फ्यूल होता है हाइड्रोजन, जलाने वाला ऑक्सीडाइजर क्या होता है, इसमें ऑक्सीडाइजर इसमें होता है O2। प्रोसेस क्या है यहाँ पे है, इसको तैयार करना, तो प्रोसेस हो गया ये है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है ये। इसमें होता क्या है, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो दो इलेक्ट्रोलाइट के सहारे किया जाता है। अब कई सारे रिसर्च किया जा रहा है हम इस तरह के सेल को डेवलप करने के लिए, ताकि हम चीप फ्यूल सेल बना सकें और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर सकें। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। इसके एग्जांपल है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स, एक ये हो गया। फिर कार्बोनेट फ्यूल सेल हो गया, दो हो गया, ठीक है। अब इस फ्यूल सेल के क्या क्या हमें इसके लिए जो रिसर्च है वो जारी है, तो जो रिसर्च ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है उसमें सबसे पहले चल रहा है टू डेवलप हाइड्रोजन फ्रॉम न्यू सोर्स सच एज वाटर, अब नए हम स्रोत की तरफ देख रहे हैं जहाँ से हम हाइड्रोजन को हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना है, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे भाई, वाटर में जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या होगा, उससे हाइड्रोजन अलग होगा या कार्बोहाइड्रेट वेस्ट जो है ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। तो दो तरीके हैं इसके लिए हैं, एक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और दूसरा यहाँ पे तरीका क्या है कि ठीक हम लोग क्या करें, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ऑर्गेनिक जो वेस्ट है इसको हम लोग यूज़ करें। और ऐसा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है टू डेवलप नैनो मटेरियल्स एंड मेटेलिक हाइड्राइड्स। ओके, तो हम नैनो मटेरियल्स या मेटेलिक हाइड्राइड्स को हम डेवलप करें और हम उसके सहारे इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा होता है कि हम पाइपलाइन नेटवर्क को हम डेवलप करें और ताकि हम इसके जो भी पॉसिबिलिटी उसको इंक्रीज कर सकें। टू डेवलप H2 बेस्ड कम्बसन इंजन, हाइड्रोजन बेस्ड कम्बसन इंजन को भी हम डेवलप करें। और इसको लेकर के नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप है, इसको तैयार किया गया, जो रतन टाटा एंड कंपनी इसमें मेजर भूमिका निभा रहे थे। और इसके तहत दो मेजर इनिशिएटिव को लिया गया, एक था गिफ्ट और एक था ग्रीन इनिशिएटिव फॉर पावर जनरेशन। गिफ्ट क्या है, ये बेसिकली है ग्रीन इनिशिएटिव फॉर पावर जनरेशन, ठीक है। और दूसरा था ग्रीन इनिशिएटिव फॉर फ्यूचर ट्रांसपोर्ट, इसको लिया गया इसके लिए इनिशिएटिव्स। और आज हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, हम फ्यूल सेल बेस्ड चीज़ों को हम जितना मैक्सिमम हम डेवलप कर सकें। तो शायद मुझे लग रहा है कि आज के एक ही टॉपिक पे जो मैंने क्लास लिया आप लोगों को, इसमें ही सारा ऑलमोस्ट टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, तो मैं बहुत तमाम बातें और नहीं कर पा रहा हूँ इस वीडियो में। पर आप लोग बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करो, आप वीडियो को देखो, लोगों में लाइक करो, शेयर करो, मेरा कोड यूज़ करो MKS1 ताकि मैं डिटेल में और पढ़ा सकूँ आप लोगों को। डिटेल में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, वक्त चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा उतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। एक आपने सुना होगा हाइड्रोजन फ्यूल के विषय में, हाइड्रोजन फ्यूल इसे काफ़ी चर्चा में है कुछ दिनों से। और हाइड्रोजन को हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक वर्सटाइल फ्यूल का काम कर सकता है। लेकिन ये क्या होता है, ये वर्सेटाइल फ्यूल का ये काम कर सकता है, ठीक है। और ये कन्वेंशनल जो फ्यूल है उसका एक विकल्प हो सकता है, अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल फ्यूल हो सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन का अगर हम बात करें तो इसके साथ कुछ अलग इसके प्रॉपर्टी हैं। कहते हैं ये एक क्लीन, इजली स्टोरेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या ये क्लीन है, इजली स्टोरेबल, आसानी से इसको हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेबल, ठीक है, ये एनर्जी सोर्स होता है। और इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, का यूज़ कर सकते हैं हम लोग हीटिंग के लिए। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो ये तमाम इसके यूजेज हो जाता है, ठीक है। और मेटलर्जिक जो रिडक्टेंट होता है, तो मेटलर्जिक रिडक्टेंट के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये तमाम इसके यूजेज होता है कि आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं अगर हम इस फ्यूल को यूज करते हैं तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैन रिप्लेस इंटरनल कम्बसन इंजन एंड टर्बाइन एज द प्राइमरी वे टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन फ्यूल सेल कन्वेंशनल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, फ्यूल सेल में क्या होगा जो हाइड्रोजन हैं, मैंने कहा था फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को हम एज ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं। तो अगर इस दोनों का जो हम मिला करके यूज करते हैं तो होगा क्या यहाँ पे, तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इनसाइड द फ्यूल सेल्स एंड विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी टू पावर टू द मोटर्स। यहाँ से जो पावर पैदा होगा यही इस पर क्या होगा चलेगा, मोटर चलेगा हम लोगों का। ये सारे तमाम बातें इससे जुड़ा हुआ। तो आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। बहुत सारी टेक्निकल बातें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं हम लोगों को है। और हाइड्रोजन का आप लोग से एक चीज़ और याद आ रहा है कि भाई आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन का यूज़ हम लोग इससे हम ब्रीथ जो निकाल रहे थे, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम जो निकाल रहे थे 1H1 1H2 1H3 है ना। तो जैसे जैसे न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ते जा रहा है ये हैवी होते जा रहा है यहाँ पे। और इस हैवी वाटर का यूज़ हम लोग कर रहे थे न्यूक्लियर रिएक्टर में। इस ड्यूटेरियम ट्राइटियम को निकाल करके इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं फ्यूजन रिएक्टर में, जिस पर ITR प्रोजेक्ट हमारा आधारित है, ठीक है। और उस प्रकार से एनर्जी के हम कई सारे विकल्प की तरफ हम लगातार प्रयासरत हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि हम किस विकल्प हम यूज़ करें, कितना यूज़ करें और हम आगे कैसे इस कैपेसिटी को हम ले जाएँ। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे हम रोक रहे हैं और अगली क्लास में फिर मिलते हैं तमाम बातों के साथ, ठीक है। पर एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि इसमें ये एक टॉपिक है, इसके तमाम टॉपिक है, इसमें आपको पास जो भी वर्टेबल रिसोर्सेज दैट यू हैव, सो यू शुड फाइंड द रिसोर्सेज एंड रीड एवरी टॉपिक इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन। जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉपर सब पे पढ़ना है। मैं कई सारे एनर्जी पर लगातार क्लास लेते आ रहा हूँ और आप लोग इसको देख भी पा रहे होंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को थैंक्स, बाय। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ माई कोड, यूज दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट माई फुल क्लास। ये कोड को यूज़ करो, मेरा पूरा क्लास कर सकते हो और 10% डिस्काउंट मिलता है। आप कभी भी अनअकैडमी का कोई भी एडमिशन लेते हो, टेक एडमिशन, और 1 महीने का अभी टाइम आपके पास है। जो जनवरी आ रहा है उसमें आपको अगर एडमिशन लेना चाहते हो ले लो, अदरवाइज दिसंबर 31 के बाद ये फी बढ़ रहा है। तो नाउ यू हैव हार्डली 2 डेज। और डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोग को दिक्कत होगा, पर आप मंथली पे करके आप एडमिशन लेकर के अपने क्लास को अटेंड कर सकते हो। और तब तक भी सारे बच्चों को थैंक्स, बाय।